Okay, so today we are going to do this poem CBSE class 11 का childhood. Very interesting story का poem है ये और ये तुम लोग दोनों जो भी class 11 का जो बच्चा लोग है ये लोग actually इसको relate कर सकेगा अपना life में या सभी बच्चे कर सकेंगे जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोग relate कर सकेंगे कि ये childhood का जो है ये तुम लोग के सामने भी ये question बहुत बार आएगा. ठीक है, जब हम लोग छोटे होते हैं ना हम लोग को बड़ा बनने का बहुत शौक होता है. तुम लोग की उम्र में तुम लोग को बहुत शौक है हम बड़ा बन जाए, जल्दी बड़ा बन जाए, जल्दी काम हो, सब कुछ हो. लेकिन जब तुम लोग हम लोग की एज में हो गए तो तुम लोग को लगेगा कि नहीं छोटा ही ठीक था. लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि मेरा चाइल्ड में कब बड़ा हुआ. द क्वेश्चन इज कि आदमी बड़ा कब हो जाता है. ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, इसको सुनना और तुम लोग के लाइफ से रिलेटेड पोएम है. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, माने मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हो गया, कब मैं चाइल्ड से बड़ा आदमी या जवान या यूथ बन गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, बोला क्या जब मैं 11 साल का था माने I ceased to be 11, माने मैं 11 से पार आ गया. Was it a day कि जब मैं 11 से ज्यादा उम्र का हो गया. ठीक है, 11 एंड हाफ 12 साल के उम्र में आ गया. और was it a time I realized that hell and heaven could not be found in geography, बोला अचानक हम लोग को मालूम पड़ता है जब वो थोड़े बड़े होते हैं कि हेल और हेवन जो है वो खाली इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो ज्योग्राफी में कहीं दुनिया में कहीं हेल या हेवन नहीं है, हम उसको लोकेट नहीं कर पाते. बचपन में हम लोग बहुत बोलते ना, अरे झूठ मत बोलो नरक में जाएगा, झूठ बोलेगा तो ऐसा हो जाएगा, तुमको जलाएंगे तपाएंगे, तुमको फ्राई करेंगे, है ना, और अच्छा अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा. हा? तो बच्चे लोग को बताना पड़ता है, बताया जाता है. लेकिन जब बच्चे 11-12 साल के होते तो उनको बताया काय का झूठ, काय का नरक, काय का स्वर्ग, ऐसा कुछ नहीं होता ना, हमको जो मर्जी हम वो करेंगे. तो बोला क्या जब मैंने ये रियलाइज किया कि हेल और हेवन माने वो जो बचपन का डर था मेरे मन से निकल गया, तब मैं क्या बड़ा हो गया था कि 11 साल की उम्र के बाद में बड़ा हो गया. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, क्या मैं जब 11 साल को क्रॉस कर दिया और जब मुझे समझ में आ गया कि हेल और हेवन ऐसा कोई जगह नहीं है दुनिया में, ये सब ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं, माने हम इसको मैप में लोकेट नहीं कर सकते, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, एक इमेजिनेशन हम लोग को दिया गया है, जिससे एक्चुअली इमेजिनेशन क्यों क्रिएट किया जाता है कि हम बहुत सारी बदमाशियां नहीं करें. मम्मी लोग के लिए ईजी है ना, मम्मी लोग क्या बोलती है बाहर जाएगा तो साधु पकड़ के ले जाएगा, साधु तुमको ले जाएगा झूला में, बच्चा लोग को डर होता है ना तो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं. तो मम्मी लोग क्यों बोलती है ये चीज, जिससे वो लोग बाहर नहीं निकले. लेकिन जब बच्चे को रियलाइज होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, साधु वाधु कुछ भी नहीं हमको पकड़ के ले जाएगा, तो फिर वो लोग थोड़े से बेफिक्र हो जाते हैं. तो बोला क्या उस टाइम में बचपन से बड़ा हो गया, तो मेरा बचपन क्या उस टाइम खत्म हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये. सेकेंड पैराग्राफ में अगेन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब गया. वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है. बोल रहा है मेरा चाइल्डहुड कब गया जब मुझे ये समझ में आया कि बड़े एक्चुअली जो बोलते हैं वो सब सच नहीं होता. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, नहीं बड़े हम लोग को बोलते हैं सबसे प्यार करो, लव दाई नेबर, झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना, सबसे मिल बांट करना चाहिए, सबसे शेयर करना चाहिए. लेकिन अचानक बच्चों लोग को रियलाइज होता है कि ऐसा है नहीं, है ना, मम्मी और नंद की जो है मैं नहीं पटता, देवरानी जेठानी में नहीं पटता. ठीक है ना, कभी कभी भाई भाई में नहीं पट रहा है. ठीक है, पड़ोसियों में नहीं पट रहा है. जब हम लोग शेयर करने का बात आता है, जब पड़ोसी आता है भाई हमको दे दो थोड़ा सा दही है, तो मम्मी मना कर देती है नहीं है दही नहीं, आगे मांगने के लिए आगे है कि नहीं. और हर घर में क्या प्रॉब्लम है, हर घर में यही प्रॉब्लम है ना कि भाई भाई का नहीं पट रहा है ना, पापा बेटा में कभी कभी नहीं पट रहा है ना, चाचा ताऊ में नहीं पट रहा है, दो दादाजी लोग में नहीं पट रहा है. तो इसका मतलब लेकिन हम लोग को मम्मी लोग क्या सिखा रही थी, हम लोग को जो मम्मी लोग सिखाई थी कि भाई सबसे प्यार करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, शेयर करना चाहिए सबसे, वो एक्चुअली पेरेंट्स लोग नहीं करते. और जो पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना वो सब टाइम पे सही नहीं होता, वो लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं हम लोग को, ये हम लोग को रियलाइज हो जाता है कि नहीं होता है कि नहीं रियलाइज. अच्छा एक तो मम्मी पापा का पेटेंट डायलॉग है क्या, हम लोग तो अपने टाइम में बहुत पढ़ते थे, है ये पेटेंट डायलॉग हर मम्मी पापा बच्चों का आता है. अरे हम लोग के पास बहुत मुश्किलें थी, हम लोग ने कितनी मेहनत की पढ़ने के लिए, तुम लोग को तो सब कुछ सजा के मिल गया है, योर पीपल आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन योर माउथ, है ना, सब प्लेटर पे मिल गया है तुम लोग को, ये सब बोलते हैं ना हम लोग. मम्मी पापा आप इतना अच्छे से पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर क्यों नहीं बने, मम्मी बाबा आप इंजीनियर क्यों नहीं, बाबा सीए क्यों नहीं गए, बाबा आप तो अच्छे से ना पढ़ने में. लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन मम्मी पापा डायलॉग मारते हैं, पास ऑन करते हैं बच्चों को, है ना, हम लोग तो लालटेन में पढ़ते थे ठीक है, सुना ना। लेकिन फिर हम लोग को रियलाइज होता है कि जब हम लोग को ये रियलाइज हो जाता है कि जो बड़े बोलते हैं उसमें बहुत चीज झूठ होती है, तो क्या हम उस वक्त बड़े होंगे। थर्ड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, when I found my mind was really mine to use whichever way I choose। इसका मतलब कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग मेरा है और मेरे डिसीजंस मेरे हैं और जो मैं सोचूंगा वही मैं करूंगा, अब मुझे किसी का डिसीजन लेने का जरूरत नहीं है। एक टाइम हम लोग के लाइफ में ऐसा आता है जब हम लोग ऐसा लगता है कि वी हैव टू टेक आवर ओन डिसीजन। ऐसा होता है ना जब हम लोग कॉलेजेस में एक बार हम लोग सोचते हैं क्या डिग्री करेंगे, क्या परस्यू करेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है ना फ्रेंड सर्कल में भी कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड, हमको अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या उस टाइम हम बड़े हो जाते हैं जब अपना डिसीजन लेना चालू कर देते हैं। टू यूज व्हिचएवर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोस ऑफ अदर पीपल। अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमको अपनी सोच आने लगती है। पहले हम लोग दूसरों की सोच बोलते थे कि देखा वो वैसा बोलता है, वो ऐसे बोलता है, वो वैसा बोलता है, वो नहीं है। अब हम क्या बोलते हैं, हमारे भी खुद के एक तो कैलकुलेशंस, हमारे भी खुद के थॉट्स बाहर निकल के आने लगे हैं। बट माई ओन एंड माई ओन वॉज दैट द डे। तो जिस टाइम मैं अपने फैसले खुद लेने लगा, क्या उस वक्त मैं बड़ा हो गया। तो तीन क्वेश्चन है। नंबर वन, जब मैं 11 साल से क्रॉस किया तब मैं बड़ा हो गया कि जब मुझे ये समझ में आने लगा कि जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं वो हर वक्त उसको मीम नहीं करते, उनकी बातें बोलना और एक्चुअली वो करने में बहुत, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। व्हाट दे से द मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट मीन इट, व्हाटएवर दे से दे डोंट मीन व्हाट दे से। या फिर व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, जब मेरा खुद का थॉट प्रोसेस चालू हो गया, खुद का स्टैंड लेना, जब मैं खुद का डिसीजन लेना चालू कर दिया, मैं खुद का स्टैंड लेना चालू कर दिया, क्या मैं तब बड़ा हो गया। तो ये तीन क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट में क्या बोल रहा है, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड एक्चुअली गया कहां। ठीक है, बोल रहा इट वेंट टू सम फॉरेन। लेकिन अचानक तुम देखेगा ना, तुम 20-21 साल का हो जाएगा ना तो तुम बच्चों की तरह बिहेव नहीं करेगा। बहुत जल्द तो ऐसे भी होते हैं उनको बच्चों से नफरत रहता है, कितना हल्ला करते हैं, हर वक्त बदमाशी करते रहते हैं, बॉल से खेलते रहते हो, कितना रोते हैं, है ना। जब हम लोग 21-22 साल के होते हैं ना बहुत इरिटेट हो जाता है बच्चे लोग के साथ में। लेकिन हम खुद बच्चे थे, हम भूल जाते हैं तो मेरा बचपना कहाँ गया, हमने क्यों हम उनसे नफरत करने लगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, बचपन हम लोग को कहाँ मिलता मालूम है जाकर, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। हमको बचपन कहाँ मिलता है, एक छोटे से बच्चे के चेहरे में। ठीक है, कैसे, अब तुम देखेगा कभी तुम लोग रियलाइज करो कि एक छोटा सा मतलब गाड़ी जा रही है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, और वो बच्चा ऐसे खिड़की से देख रहा है और तुम्हारी गाड़ी उसके बगल में आ रही है और तुम समझ लो 50 साल का है, लेकिन तुम क्या करता बच्चा को देख के करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो इमेजिन करो एक 50 साल का आदमी ऐसे कर रहा है कितना अजीब लगेगा, है ना। अच्छा तुम देखिए छोटे से बच्चे से उसकी मम्मी बात करती रहती है, लो 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 लो, अरे ले ले, है ना। अभी इमेजिन करो ये क्या होता है, लो 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 ले ले, क्या होता है। और उसके पीछे तो दादी भी आ जाएगी, ना 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 ना, अरे पूरा खानदान चालू हो जाता है ना इस चीज को लेकर। कभी इमेजिन किया है। तो हम लोग का बचपन का वो 60 साल के बूढ़े दादाजी है। ठीक है, 60 साल के बुढ़े दादाजी वो भी पार्क में टहल रहे हैं गुस्से में, और वहां पे एक छोटा सा बच्चा आ गया तो उसको देख, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, बड़े होके क्या बनोगे, बदमाश। तो उनके वो भी अपना बचपन वहां दिखता है। तो अल्टीमेटली हमारा बचपना कहाँ जाता है, हमारा बचपना जाता है बच्चे के चेहरे पे। वो छोटे बच्चे का चेहरा देखकर हमको अपना बचपना वापस याद आता है। तो यहाँ पूछ रहा है, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, That's all I know। तो मेरा बचपन हमको कहाँ मिलेगा, एक छोटे से बच्चे के चेहरे पे हमको मेरा बचपन मिलेगा। समझ आ गया। So this was the poem Childhood by Markus Natten। Yes, any question? Yes. Yes. यहाँ पर जो लिखा हुआ है that's hidden in an infant's face, तो यहाँ पर जो infant's face है उसको मतलब जो childhood है, उस जो बच्चा का face है उसको बोल रहे हैं, या जो obviously बच्चे को वो वाला। हाँ, यहाँ पर जो ग्रैंड मदर ने आप एग्जाम्पल दिए वो चाइल्ड जो उनके फेस का जो एक्सप्रेशन वो यहाँ पर लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, या जो बच्चा जो रिएक्शन दे रहा है उसको, बच्चा जो रिएक्शन दे रहा है इट्स हिडन इन द इन्फेंट्स फेस। तो मेरा जो बचपना है वो उसके फेस में नजर आता है, माने उसको देखकर, उस इन्फेंट के फेस को देखकर मेरा बचपना वापस बाहर आ रहा है। तो मेरा बचपना बाहर कैसे मिलेगा मेरे को, जब मैं किसी बच्चे का फेस देखूंगा। मैं तो नॉर्मल ही रहूंगा ना, ऐसे तो आदमी हम नॉर्मल ही है, लेकिन छोटा सा बच्चा देख के नहीं करती, सबका आदत है। छोटा सा बच्चा उबर में जा रहा है, तुम बस में है, बस से अचानक खिड़की में देखा उबर बच्चा ऐसा देखा, तुम भी तो बच्चा ऐसा देखा, क्या पागल, इग्नोरेंस ऑफ फेस बनाता। लेकिन हम लोग तुम इमेजिन करो एक 60 एक अच्छा मैच्योर्ड आदमी, हम ही फॉर एग्जांपल है ना, हम टीचर 42 इयर्स टीचर, एक छोटा सा बच्चा हमको दिखा, हम शुरू हो गया, अब तुम हमको देख रही है, सर आप क्या हो गए सर आपको, आई गॉट मैड। तो लेकिन क्या हो रहा है, वो बच्चे को देख के मेरा बचपना बाहर आ रहा है। तो मेरा बचपना कहाँ छुपा हुआ है, उस इन्फेंट के फेस में मेरा बचपना छुपा हुआ है। ओके, चलो दैट्स इट।